बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो ये शानदार मटन कोरमा आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा खुशबू कैसे ऐड की जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि ये शानदार ग्रेवी कैसे तैयार होती है। इतने टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपको बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल का लेंगे। अच्छा, इस ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म होने देना है, ठीक है। ये सबसे पहला आज की रेसिपी का टिप है। और प्याज को लेके जो सबसे अहम बात है वो ये कि प्याज की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक और लंबी करनी है, ये देख लें इस तरह से। और उसके बाद हाथों से मसल के आपने एक एक कली को सेपरेट कर लेना है। दो कलियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो मीडियम साइज़ के प्याज ले रहा हूँ, फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर ही हम इन प्याज को फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि एक एक जो कली है वो बहुत अच्छे से गोल्डन होगी, ये नहीं कि एक जल गई और एक जो है वो कच्ची रहेगी, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मीट की स्मेल को दूर करने के लिए दो बड़े साइज़ की इलायची इसके अंदर लेंगे। इससे क्या होता है कि मटन या बीफ या चिकन जो भी होता है उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, स्मेल दूर हो जाती है। दूसरी चीज़ जो साबुत मसालों में जाएगी ये है एक तेज़पात, एक जाएगा इसमें। और यहाँ पे आपने चम्मच को हिलाते रहना है, तीन छोटी इलायची खुशबू के लिए। कोरमे में खुशबू बहुत अहम होती है। एंड के ऊपर कुछ स्पेशल मसाले जाएंगे, उनके ऊपर आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस रेसिपी में थोड़ी सी मेहनत है, आपको चम्मच हिलाते रहना ताकि प्याज सभी एक जैसा ब्राउन हो। तो 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहा हूँ, जिसको मैंने फ्रेश अभी अभी कूटा था। फ्रेश का मतलब ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जो पड़ा हुआ होता है उसकी खुशबू थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि स्पेशल रेसिपी है तो फ्रेश लेंगे। देखिए, चम्मच आपने हिलाते जाना और आप देखेंगे कि एक एक कली शानदार तरीके से गोल्डन होगी। ये देखें आप, ब्लैक कोई नहीं हुआ इसमें, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक एक कली को सेपरेट किया था। चलें जी, अब जब ये खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, ये मेरे पास 1 kg मटन है, नॉर्मल साइज की बोटी है। आपने इसके अंदर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, इसको पकाना है। कब तक? जब तक के मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे टेक्निक ये होती है कि गोश्त का जो पानी होता है ना अपना, वो हमने पहले ड्राई करना होता है, ठीक हो गया। अब जो प्याज है वो मजीद ब्लैक नहीं होंगे क्योंकि इसमें गोश्त आ चुका है। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं। और अब यहाँ पे मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ टमाटर का, दो मीडियम साइज़ के बिल्कुल रेड कलर के आपने टमाटर लेने हैं। अच्छा, पेस्ट यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोरमे का जो कलर है वो बहुत ही स्पेशल चाहिए, ठीक हो गया। जिस तरह से आप शादियों में देखते हैं, अगर हम कटिंग करके प्याज ये टमाटर ऐड करते तो कभी भी ये कलर नहीं आना था। चलें जी, 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है। ये इतनी लाल क्यों है? इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि घर पे आप लाल मिर्च किस तरह बना सकते हैं। नमक इसमें 1 टीस्पून जाएगा टेस्ट के हिसाब से। और जो हल्दी है ये इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। हल्दी की रेसिपी भी चैनल पे है, ये भी मैं दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। चलें जी, अब अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग। आप याद रखिएगा कि पहले गोश्त का मैंने पानी ड्राई किया था, जब कलर चेंज हो गया गोश्त का फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे। ये बहुत ही अहम स्टेप है, ठीक हो गया। चलें जी, अच्छे से इस गोश्त की हम करेंगे यहाँ पे भुनाई, ये देखें आप। और उसके बाद तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 मिनट मैंने इसकी मजीद भुनाई की है टमाटर ऐड करने के बाद, ठीक हो गया। अब मैं इसमें एक बड़ा ग्लास भर के मक्का पानी ऐड कर रहा हूँ। इतना पानी ऐड करते हैं कि इसमें जो बोटियाँ हैं ये डिप हो जाएँ। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको कुकर लगा सकते हैं, कुकर इसको लगेगा तकरीबन 14 से 15 मिनट। और अगर आप इसको ऐसे ही बनाएंगे देगी स्टाइल में, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मिक्सिंग कर देने के बाद ढक्कन रख देंगे, तकरीबन इसको हम 28 से 30 मिनट पकाएंगे, क्योंकि मटन इतनी देर में गल जाता है। लेकिन याद रखिएगा फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम के ऊपर ये नहीं करना आपने। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पे जो आप याद होगा आपको, मैंने अभी गरम मसाले ऐड नहीं किए। गरम मसाले कभी भी स्टार्ट में ऐड नहीं करते जब हम मिर्चें और नमक वगैरह डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, खुशबू में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे इस तेज़पत्ते की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका कलर अच्छा करने के लिए, टेस्ट लाने के लिए दही ऐड कर रहा हूँ मैं एक प्याली भर के, ठीक है। ये 1 kg चिकन में दही जितनी ऐड होती है उससे ये डबल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलें जी, अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है, जो पहले लो और मीडियम था, और अच्छे से हम इस दही की पकाई करेंगे। एक बार याद रखिएगा, कोरमा एंड तक जब तक फाइनल नहीं ना होता आपने इसको कभी भी ड्राई नहीं होने देना, ठीक है। ड्राई किया तो इसके मसाले का कलर चेंज हो जाएगा और खूबसूरती नहीं रहेगी। तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून आपने खुश धनिया कुटा हुआ ऐड करना है, ठीक है। ये कुटा हुआ है, ये पाउडर नहीं है, इससे ये दानेदार सा कोरमा बनेगा। 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर इसमें जाएगा। और ये है हमारे पास मिक्स गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अभी और दो चीज़ें बाकी हैं जो बिल्कुल एंड के ऊपर जाके ऐड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम मिक्सिंग करेंगे। अगर ये गरम मसाले ये जो हम ऐड कर रहे हैं अगर आप स्टार्ट में ऐड कर दें तो उससे क्या होता है फ्लेवर इनका थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे ये है हाफ टी स्पून मेरे पास कोरमा मसाला बाजारी और ये है रू क्योरा एसेंस, आपको जनरल स्टोर से दोनों चीज़ें मिल जाएगी। 3 ड्रॉप्स इसके डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले वरना ये कड़वा हो सकता है कोरमा। तो ये 2 चीज़ें आपने मार्केट की डालनी, इससे आपको बहुत ही प्रोफेशनल और बिल्कुल जो देगों में आपको खुशबू आती है ना वही आएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने ना तो मसाले को पीसा है ना मशीन में डाला, फिर भी ये कितना दानेदार और कितना मलाई जैसा ये इसका जो है ये ग्रेवी है, देख रहे हैं आप। तो इसका राज क्या था, क्योंकि हमने प्याज का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट में किया ना ये सारा उसी का नतीजा था। तो इसी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऑप्शनल होती हैं, कोरमे में आप डालना चाहें तो ठीक है वरना जरूरत नहीं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कितनी शानदार ग्रेवी है, यही है असल कोरमा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।